क्या दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो रहे हैं? आइए जानें इस वायरल खबर की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शमी मॉनिटर पर, जहां हम आपको सबसे ताजा तरीन क्रिकेट खबरें और विवादित चर्चाएं लेकर आते हैं। आज की हमारी खास खबर है दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत को लेकर। बीते शनिवार को खबरें आईं कि ऋषभ पंत आईपीएल 2025 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों यह खबर महज एक अफवाह साबित हो रही है। मीडिया रिपोर्ट में मिली जानकारी के मुताबिक पंत दिल्ली के साथ बने रहेंगे, और यही नहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने अगले सीजन के लिए तीन मुख्य खिलाड़ियों को रिटेन करने का फैसला भी कर लिया है। ये तीन खिलाड़ी हैं कप्तान ऋषभ पंत, स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव। पिछले सीजन में इनका प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा था। दोस्तों आपको बता दें कि ये तीनों खिलाड़ी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2024 का भी हिस्सा थे, और वहां भी इनका प्रदर्शन शानदार रहा था। ऋषभ पंत 2016 से दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। फ्रेंचाइजी से जुड़ने से पहले उन्होंने बांग्लादेश में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। क्वार्टर फाइनल में नामीबिया के खिलाफ महज 96 गेंदों में 111 रन की शतकीय पारी खेली थी, जिससे उनकी प्रतिभा सबके सामने आई। पंत ने अब तक कुल 111 आईपीएल मुकाबलों में भाग लिया है, जिसमें उन्होंने 35 के ज्यादा की औसत से 3284 रन बनाए हैं। उनके नाम एक शतक दर्ज हैं और उन्होंने 148 के ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की खास खबर। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं ऋषभ पंत के इस फैसले के बारे में। धन्यवाद।